सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 उनका जन्म लड़ियात गांव में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम झवेर भाई था, वह झांसी की रानी की सेना के सदस्य थे। माता लाडवा देवी का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। उनको सज्जन पुरुष बनने के संस्कार उनके माता पिता द्वारा प्राप्त हुए। 22 वर्ष की आयु में आदर्श रूप से उनको स्नातक होना चाहिए था, तब उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की। किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह पेशेवर रूप से इतना अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा माना जाता था कि वहाँ एक साधारण नौकरी करके गुजरबसर करेंगे, परंतु उन्होंने कानून की डिग्री लेकर सबको गलत साबित कर दिया। बाद में उन्होंने लंदन में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। जब पटेल जी अहमदाबाद में कानून का पालन कर रहे थे, तब उन्होंने गांधी जी का भाषण सुना। गांधी जी के शब्दों का पटेल जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गांधी जी की विचारधारा की प्रशंसा की और जल्दी ही उन्होंने भी उनकी विचारधाराओं को अपना लिया, उनका अनुसरण करने लगे। उन्होंने हमेशा से ही ब्रिटिश सरकार के कानून और विधियों का विरोध किया। गांधी जी की विचारधारा और ब्रिटिश सरकार की कुनीतियों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के प्रेरित कर दिया। उनमें जन्मजात नेता बनने के गुण थे। आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट के भरी थी। इन्हीं गुणों के कारण 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुजरात विंग के सचिव का पद उनको मिला। वह अंग्रेजी सरकार की नीतियों व अत्याचार से नाखुश थे और उनमें आक्रोश की भावना थी। उन्होंने सरकार को किसी भी प्रकार के कर देने से बिल्कुल मना किया था, क्योंकि केरा बाढ़ के बाद करों की मांग की। ऐसा करने के कारण अंग्रेजी सरकार ने किसानों की जमीन जब्त कर ली। आंदोलन के सफल होने पर उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहिंसक आंदोलन व नीतियों साधनों में विश्वास रखते थे। इसके पश्चात उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और कई लोगों का नेतृत्व किया। उनका मानना था, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में हमें जीत तभी मिल सकती है जब हम सब एकजुट होकर लड़े। वहाँ जनता को प्रेरित करने का कार्य करते थे और उनके इस प्रयास के फलस्वरूप ही स्वतंत्रता संग्राम में आम जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल को उनके नेतृत्व और विश्वास के कारण सरदार की पदवी दी गयी। उन्होंने विभिन्न आम आंदोलन का भी नेतृत्व किया और लोगों की मदद की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन को प्रारंभ करना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया। इसके बाद वल्लभ भाई ने कांग्रेस के अन्य सदस्यों से अधिक समर्थन दिया। उन्होंने गांधी की और अन्य सेनानियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाया। अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में हमें देशभक्ति की भावना देखने को मिली। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद ज्यादातर प्रांतीय समितियां पटेल के पक्ष में थी। गांधी जी की इच्छा थी, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ से दूर रखा। बाद में उनको उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री पद सौंपा गया, जिसके बाद उनका प्राथमिक कार्य देसी रियासतों को भारत में शामिल करना था। इस काम को बिना लड़ाई झगड़े के आसानी से कर लिया, परंतु हैदराबाद के लिए सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1950 में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। नवंबर 1950 में वह बिस्तर सवार हो गए।
दिसंबर 1950 से उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का हमारे देश में होना काफी गौरव से भरा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी ईमानदारी के साथ देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरुआती आंकड़ों से गांव के थे और उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा जुल्म अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने शुरुआत से ही ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और आखिर में ब्रिटिश सरकार को भारत से भगा दिया।